सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मांगे गए लिपिकों की भर्ती के प्रस्ताव। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिपिकों की भर्ती निकली है, आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन के संबंध में ये लेटर जारी किया गया। 18 सितंबर को जारी किया गया लेटर, आप देख सकते हो। शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये लेटर जारी करके यहाँ पर चयन के संबंध बताया गया है। और यहाँ पर आप देखिए पूरी की पूरी समय सारणी यहाँ पर जारी की गई है, किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें होनी है, कैसे फॉर्म फिल होगा, कैसे किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है और किस तरीके से आप लोगों की मेरिट बनेगी, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए योग्यता क्या है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में भी आप टाइप कर सकते हो, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आप 12th पास हो और आपके पास CCC की डिग्री भी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पेट परीक्षा यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उसमें आपका परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए और उसी के आधार पर आप लोगों की सूची बनेगी और उस सूची के इसके 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और उनका साक्षात्कार होगा, यानी कि उनका इंटरव्यू होगा। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए 20 नंबर का इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू के आधार पर ही क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए यानी कि जो आपकी पेट परीक्षा है और जो आपने इंटरव्यू में अंक स्कोर किए होंगे, यानी कि जो आपने अंक प्राप्त किए होंगे, उसी के आधार पर आप लोगों की सूची बनेगी और इस तरीके से आप लोगों का चयन होगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपने CCC पास किया है, तो आसानी से आप इसको भर सकते हैं और इस तरीके से विद्यालयों में लिपिक के पदों पर बहुत ही आसानी से आप अपना एक पद सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये भर्ती बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा न्यूज भी इसी को लेकर के इसको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑलरेडी आपको पता ही है कि सीटेट किस तरीके से हरियाणा में इनवैलिड कर दिया गया है, पूरी की पूरी न्यूज मैंने बनाई है। शिक्षक भर्ती को लेकर के न्यूज आई है, क्या कहा है शिक्षा मंत्री जी ने, विशेष शिक्षा मंत्री जी ने, उनका बयान भी आज ही आया है, वो भी मैंने आपको बताया। तो वो सारी न्यूज आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को जिनकी भी टाइपिंग अच्छी है, जिन्होंने CCC क्वालिफाई किया है, जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है पिछले साल का, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर 16 जनवरी 2023 तक आपको इसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। जय हिंद।